घर पे कोई काम नहीं है। नहीं मेरे को फोन करना पड़ा था, मैं कर लूंगा एक आधी बार अगर है। काम तो नहीं कर रहे वेबसाइट इसमें कोई मास्टर पीस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जोड़ी वेबसाइट हाँ ना चल रही है। इंश्योरेंस एजेंट ऐड न्यू आइटम फर्स्ट पेज डिफॉल्ट ही दे रहा है। डेटाबेस बनाना पड़ेगा, फर्स्ट डेटाबेस बनाएंगे। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस दो टेबल है, अगर मास्टर और पॉलिसी की टेबल, और ये डिस्प्ले रिपोर्ट है, ये भी टेबल पे है। टेबल बनेगी इसकी भी, दो टेबल का डाटा ही है। अच्छा टेबल ऐड न्यू टेबल हमें टेबल बना के दिखाई गई। इस टाइप का व्यू बनाना है हमें, है ना। प्राइमरी की राइट क्लिक ऑटो जनरेट के लिए बटन पर इसे स्पेसिफिकेशन यस, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इसको यस करना। एक को यस किया, दो में यस हो खुद से कर देंगे इजी। एजेंट नंबर और नेम कैसे है? दो फील्ड ले लेंगे। अच्छा अच्छा तो अपने एंट्री करने के लिए क्या किया? राइट क्लिक करके शो टेबल डाटा राइट क्लिक किया था। अच्छा शो टेबल डाटा, ठीक है ठीक है। और फिर ये टेबल डाटा शो करना पड़ेगा। एजेंट नंबर में ये फॉरेन की क्या मतलब होता है? फॉरेन की हाँ, ये भी इंटीजर है, मतलब इसका रेफरेंस हमें दूसरी टेबल से देना है। ये रिलेशनशिप होती है आरडीबी में इसकी तरह। अच्छा एजेंट नंबर का रेफरेंस दूसरी टेबल से उठाएंगे। फॉरेन की का यूज क्या होता है? मैं तो बस इसमें एंट्री होगी तो इसमें एंट्री, अरे उसमें एंट्री होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा।
This is the whole thing. पॉलिसी अमाउंट में इंटीजर है लेकिन हमारी कोई इंटीजर है बात एक ही है, सबको टिक क्यों करना है? अलाउ नल मतलब खाली हो सकते हैं कमीशन टू बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली, इसका क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली मतलब वो फॉर्म से कैलकुलेट होता है। अच्छा ये उसने वैसे लिख के बताया हुआ है, ऐसा कोई फीचर नहीं है यहाँ पे वहाँ पे। ये तो मैं क्रिएट है जीव तो सेव डाटा पॉलिसी डिटेल आदि टेबल आदि इंफॉर्मेशन दे। जीयूआई बना रहा है तो सेव डाटा एंड पॉलिसी डिटेल टेबल एज पर द कंडीशंस मेंशन बिलो। जीयूआई फिर वही हम एक टेबल बनाएंगे, इसी को जीयूआई बोल रहा है ना, इंफ्रा बनाना इसको ना। पॉलिसी अमाउंट और कमीशन टू एजेंट, क्या लिया आपने अपने अनबाउंड उत्तर ड्रॉप डाउन लिस्ट? मैंने तो लिखा नहीं। अच्छा यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट टू डिस्प्ले एजेंट्स, एजेंट्स के नाम यहाँ पे आने चाहिए। अरे ये देखना ये असाइनमेंट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से बनी है, डॉक्टर के हिसाब से बनी हुई है। प्रोग्राम दो मिनट से टेक्स्ट बॉक्स डाल दो, अपने इसके कोडिंग डाले फील्ड्स, इसके कोडिंग फील्ड्स डाले पॉलिसी नंबर एजेंट नंबर, इसलिए टेक्स्ट बुक इतना सारा ले लिया। इसी का तो इसने लिखा जी 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 एजेंट नेम नहीं है ना, पहले तो नंबर है हमारा एजेंट नेम जाएगा ना। वहाँ भी डॉट नेट के इंजन से आया था का डाटा एंट्री बनाना है पॉलिसी डिटेल का, बट यहाँ पर तो एजेंट नेम तो इसके अंदर था ना, ठीक है यहाँ एजेंट नेम ले तो लिया
नहीं यहाँ पर तो नहीं है ना, तो ना क्रिएट जीयूआई टू सेव डाटा इन फुल फिल्टर, ये मैंने अपनी तरफ से डिजिटल ही है। दो टेबल में डाटा स्टोर होगा ना, इस वाले टेबल में स्टोर होगा ना, दिखेगा तो यूजर को नंबर नेम डेटाबेस में जाना चाहिए नंबर। ऐसा नहीं लिखा था इसने, बस ये समझने की बात है। इंटरफेस में आ लिया सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम स्पेस इंक्लूड करेंगे। पहले तो हमें सारे वो लेके आने नेम स्पेस एजेंट के नाम, शुरू से लेकर आज में एक ही नोटिस काम होना चाहिए, सब खत्म कर दे, डबल कोट एक होना चाहिए ना। स्ट्रिंग को आप वहाँ पे फुल डिलीट कर दें, बार बार यूज होगी तो भी बार बार वहाँ से लेने पड़े, एक बार सी एन एस से ले लेंगे। DDL drop down list in the name. Sure.
ASP.NET website or ASP.NET empty website? इसमें हमें empty लेनी है. SQL server database attach करना था ना, right click करके add कर दो ना इसको. तो मैंने रिस्टोर पॉइंट बना हुआ है, ठीक है. जब इंस्टॉल की होगी पहला ही उस पर रिस्टोर कर दे, सारा अपने पड़ जाएगा. इसे द इंस्टीट्यूट 12 डाल दे. रिस्टोर सर कहाँ बना होगा? रिस्टोर पॉइंट कंप्यूटर भी होता है, ये कहाँ होगा? रात को दोबारा डाल दो उसको ना. रीस्टोर पॉइंट का मतलब सिर्फ विंडो के बाद वाला स्टेप ना. मैंने चेक लगा दिया इस पर कि सभी की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है तो वो सबमिशन के लिए जाएगा, डाटा स्टोर होगा.
2008 है ना? अच्छा कमीशन केस में बताया थोड़ी सी अमाउंट है लेस देन 10,000 2% है ना लेस लेस देन 10,000 है ना कमीशन तो एजेंट 2% है किसका एजेंट का कमीशन 10,000 से पॉलिसी अमाउंट का इनटू 2 डिवाइड बाय 100 वीडियो देना और इसकी ये भी देना सर सॉफ्ट कॉपी तो लगता है यही दे देता है सबको हर बार वो थोड़ा सा ही जितने पेपर देख ले सारे पेपर पर मेरे बराबर यही दो इस वीडियो के नाम यही निकला था सिंपल है ना थोड़ा बहुत चेंज रिपोर्ट के लिए ये असाइनमेंट जॉब लगा दी जाना है नहीं मैंने सारा कुछ ग्रेड ले लिया ग्रेड भी लिया आपने ग्रेड क्यों कस्टमर नेम ये जो प्रिंट पॉलिसी डेट
underscore this passage. What is SQL main using? Inner drive. Inner date to put on the inner HTML JavaScript. ठीक है, ये कोड लेना भाई सारा। ये ग्रिड लाइन का मतलब क्या है आपको? इसी में रिपोर्ट आएगी। तो ये इसके नेम आ गया राम, जो हमने वहां डाले थे। ठीक है, कौन सी डेट है? 1 सबमिट करते ही इस पॉलिसी का एजेंट का नेम, पॉलिसी डिटेल, पॉलिसी अमाउंट और कमीशन निकल जाएगा। सही ना? रिपोर्ट जनरेट कर रहा है जिस जिस बंदे का आपने सबमिट किया था। पहले वाले में रिपोर्ट पहले एक बंदे की आ जाती, फर्स्ट टाइम में जो सबमिट किया था। ये है प्रोजेक्ट है, इसी को बोलते हैं क्या प्रोजेक्ट उनके साथ।